Hello guys and welcome again to the new basic learning and in the English session which I am going to cover Merchant of Venice Act 2 Scene 1. मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने एक्ट वन नहीं देखा है तो पहले एक्ट वन देखिए, उसमें तीन सीन्स हैं, सीन वन, सीन टू, सीन थ्री। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप सीन टू डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन में है, प्ले है, ड्रामा है ये, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ये बुक यूज़ कर रही हूँ तो अगर आपके पास ये है तो अपने साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ें तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ आएगी सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे एक्ट टू सीन वन स्टार्ट करते हैं। एक्ट टू सीन वन कहाँ हो रहा है? बेलमोंट में, ठीक है। एक्ट टू सीन वन बेलमोंट में हो रहा है, पोर्शिया के कमरे में, ठीक है। अब हमने सीन टू में क्या देखा था? हमने सीन टू में पोर्शिया और नेरेसा के बीच में कॉन्वर्सेशन देखी थी जिसमें पोर्शिया बता रही थी, नहीं, पोर्शिया नेरेसा से कह रही थी कि मुझे डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग पसंद नहीं है। और बाद में एक सर्वेंट आता है मोरक्को का, प्रिंस ऑफ मोरक्को का एक सर्वेंट आता है जो कहता है कि मेरे प्रिंस, मतलब कि मेरे जो मास्टर हैं मोरक्को, वो आने वाले हैं, ठीक है। अब मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को आ चुके हैं। मोरक्को कह रहे हैं, मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन द शेडो लिवरी ऑफ द बर्निश सन टू होम आई एम अ नेबर एंड नियर ब्रेड ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रिएचर नॉट वॉट बॉर्न वे आर फ्यूबल स्पायर्स के थ्रॉस द इंसीसर्स एंड लेट अस मेक द इंसिशन फॉर योर लव टू प्रूव हूज ब्लड इज रेडेस्ट हिज और माइन। अब यहाँ पे मोरक्को कह रहा है कि आप मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से मुझे डिसलाइक मत करना, मेरा जो काला रंग है उसकी वजह से मुझे नापसंद मत करना, क्योंकि जहाँ मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे सन बहुत तेज है, ठीक है। थोड़ा सा ज्योग्राफी देख लेते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। जब हम इस साइड चलते हैं इंडिया की लेफ्ट साइड तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है, अफ्रीका, ठीक है। और ये ज्यादातर ये ना इक्वेटर के पास है, ठीक है, ये इक्वेटर के पास है जहां पे सन बहुत तेज होता है। तो ये बता रहा है कि मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहां पे सन बहुत तेज है, मतलब ये अफ्रीका में है। तो ये कह रहा है कि मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे सन बहुत तेज है, इसलिए मेरा कलर जो है वो डार्क है, मेरा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, इसलिए आप मुझे मिसलाइक मत करना, क्योंकि मेरा जो रीजन है, मैं जहाँ रहता हूँ उसका रीजन ये है कि मैं उस जगह रहता हूँ, ठीक है। फिर वो कह रहा है, आप एक ऐसे इंसान को ले आओ जो बहुत गोरा हो, ठीक है। मान लो यह यूरोप है, यहाँ पे तो यहाँ पे ना ज्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती है, नॉर्थ पोल, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड होती है, पोल लैंड होती है, नॉर्थ पोल की साइड। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं उस इंसान से लड़ लूंगा, आप किसी गोरे इंसान को ले आओ और मेरे जो डार्क कॉम्प्लेक्शन का हूं मैं, इसलिए आप मेरी और उसकी फाइट करवा देना, देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा दम है, हूज ब्लड इज रेडेस्ट हिज और माइन, ठीक है। फिर वो कह रही है, आई टेल द लेडी दिस एस्पेक्ट ऑफ माइन have feared the violent by my love. I swear the best regarded virgins of our clime have loved it too. I would not change this hue except to steal your thoughts, my gentle queen. अब यहाँ पे मोरक्को कह रहा है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की लड़कियाँ, unmarried लड़कियाँ, virgins यहाँ पे unmarried को कहा गया है, वहाँ मुझसे वो लोग बहुत प्यार करती हैं, वो मुझसे attract होती हैं, ठीक है। वो कह रहा है, मैं अपनी अपनी तारीफ कर रहा है कि वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो मुझ पर मरती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मैं अपना कलर चेंज नहीं करूँगा, बस आपको पाने के लिए मैं कलर चेंज कर लूँगा, ठीक है। टू विन यू ओनली आई विल चेंज इट, ठीक है। वो एक तरीके से इम्प्रेस कर रहा है वो, ठीक है। फिर पोर्शे कह रही है, इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट स्लोली लेड बाय नाइस डायरेक्शन ऑफ मेडन्स आई बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ द डेस्टिनी बास मी द राइट ऑफ वॉलेंट्री चूजिंग बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी एंड हेच्ड बाय माई विट टू यील्ड माई सेल्फ हिज विंस हिज वाइफ विंस हु बी माई दैट मीन्स आई टोल्ड यू योर सेल्फ इन योर प्रिंस दैट स्टूड एज फेयर एज माई कॉर्नर आई हैव लुक डाउन येट फॉर माई अफेक्शन। अब यहाँ पे पोर्शे कह रही है, अब पोर्शे यहाँ पे चलाक बन रही है, ठीक है। यहाँ पे पोर्शिया सीन टू में, एक्ट वन सीन टू में हमने क्या देखा था?
कि पोर्शिया नेरिसा से बता रही थी कि जो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन का इंसान होगा मैं उससे शादी नहीं करूंगी, अगर उसने कंपटीशन भी जीत लिया तो भले से वो कंपटीशन जीत जाए लेकिन अगर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हुआ तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अब पोर्शिया चालाक बन रही है यहाँ पे, पोर्शिया ने ही अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। अब वो कह रही है कि अपने अपने कलर को लेकर इतना रो मत, परेशान मत हो, अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी क्योंकि मैं अपने फादर के विल के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मेरी फादर ने जो विल रखी है वो ये तो रखी है कि कंपटीशन जो जीतेगा वही पोर्शन से शादी करेगा। अब वो कह रही है कि कोई बात नहीं, तुम अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेकर रो मत, अगर तुम जीत जाए, अगर तुम जीत गए तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, जाहिर सी बात है शादी तो होगी हमारी, तो तुम अपना लक ट्राई कर लो। ठीक है, अब मोरो को कह रहा है इवन फॉर दैट आई थैंक यू, देयरफॉर आई प्रे लेट मी टू द कैस्केड टू ट्राई माय फॉर्च्यून। अब यहाँ पे पोरो को कह रहा है कि मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मतलब प्रेज, आपने मुझे प्रेज किया, आपने मुझे दिलासा दिलाया कि हाँ मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से कभी कोई मुझसे शादी ना करे, लेकिन आप कह रही हो तो ठीक है, थैंक यू फॉर वेरी मच। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मुझे उस तरफ ले चलें जहाँ पे कैस्केट्स हैं, मैं अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई माई फॉर्चून। अब यहाँ पे कह रहा है वो बाय दिस स्क्रिमिटार दैट फ्लू दिस सोफनी एंड प्रिंस ऑफ पर्शियन दैट वॉन्ट थ्री फील्ड ऑफ सुल्तान सुलेमान I would outstare the sternest eyes that look out brave the heart most daring on the earth, pluck the young scubbing cubs from the she bear yam of the lion where he rose for prey to win the lady। अब यहाँ पे मोरो को कह रहा है कि सोफी और पर्शियन प्रिंस को अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि मैंने सोफी और पर्शियन प्रिंस और सुल्तान सुलेमान को मारा है, ये तीन बहुत ब्रेवेस्ट इंसान थे माइथोलॉजी के हिसाब से, तो इनको मैंने मारा है, मैंने इन्हें अपनी तलवार से मारा है, और आप मुझे दुनिया के किसी भी इंसान से, किसी भी ब्रेवेस्ट इंसान से भी लड़वाओगे ना तो भी मैं लड़ लूंगा। और प्लग द यंग स्कबिंग कप्स, यहाँ पे कह रहा है वो कि शेरनी के जो बच्चे होते हैं मैं उसको भी उठा के ले आऊंगा उसके पास से, उनके बच्चों को भी उठा के ले आऊंगा मैं उसके पास से। वैसे बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि कौन जाए और शेरनी, पहले बात तो शेर के ही पास कोई नहीं जाता, तो वो कह रहा है मैं शेरनी के बच्चों को भी उठा के ले आऊंगा, शेरनी तो वहीं खा जाए जिंदा आपको, तो वो कह रहा है कि आप मुझे किसी से भी लड़वाओ, ब्रेवेस्ट इंसान से भी लड़वा दोगे ना तो भी मैं लड़ लूंगा, और लॉयन के बच्चों से, लायनस के बच्चों से भी मैं, मतलब कि लायनस के बच्चों को भी उठा के ले आऊंगा मैं उसके पास से सिर्फ आपको जीतने के लिए। बट लास्ट द वाइल्ड हरक्यूलस एंड लिचास प्ले एट डाइस व्हिच इज बेटर मैन द ग्रेट थ्रो मे टर्न बाय फॉर्च्यून फ्रॉम द वीकर हैंड। अब यहाँ पे हरक्यूलस और लिचास माइथोलॉजी में हरक्यूलस कौन है, लिचास का मास्टर, तो लिचास जो है ना वो सर्वेंट है हरक्यूलस का, तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हुई थी माइथोलॉजी के हिसाब से, इन दोनों की लड़ाई हुई थी ना, तो डाइस थ्रो करना था, किस्मत पे था कंपटीशन इनका। जैसे मान लो कि ये डाइस है, अब लिचास हरक्यूलस ने कहा या उनके बीच में जो कंपटीशन रखा गया था वो डाइस के हिसाब से रखा गया था, जिसके डाइस पे 6 आ जाएगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा, तो ये हरक्यूलस जो था वो बहुत ही ब्रेव था, वर्ल्ड ब्रेवेस्ट इंसान माना गया था माइथोलॉजी के हिसाब से, और जो लिचास था वो बहुत वीक था तो इसलिए वो उसका सर्वेंट था। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये किस्मत पे होता है कंपटीशन जो है हरक्यूलस और लिचास के बीच में रखा गया था, ये किस्मत पे था, लिचास जीत गया था कंपटीशन, तो इसमें दिखा रहे हैं कि ये तो उसके हिसाब से था, किस्मत था कि हाँ किस्मत कितनी अच्छी है किसकी, अगर वो थ्रो कर देता है डाइस 6 आ गया उसका लिचास का तो वो जीत गया कंपटीशन, लेकिन हरक्यूलस तो ब्रेवेस्ट इंसान था तो ये किस्मत पे था कंपटीशन। अब यहाँ पे मोरो को यही कह रहा है कि मेरा जो कंपटीशन आपके साथ रखा गया है वो भी किस्मत पे ही रखा गया है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, अगर मान लो मैंने गलत चूज कर ली कैस्केट गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में से कोई सी गलत चूज कर ली जिसमें आपकी पिक्चर नहीं रखी तो मैं हार जाऊंगा, तो ये मेरी किस्मत पे है कि जो मैं चूज करूँ वो सही हो। ठीक है, तो वो यही कह रहा है इस पूरे पैराग्राफ में, फिर वो कह रहा है विच इज द बेटर मैन द बेटर थ्रो मे टर्न बाय द फॉर्च्यून फ्रॉम द वीकर हैंड एज सो इज एसाइज एलसाइज बीटन बाय हिज पेज एंड सो मे आई ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग मी मिस दैट विच वन अनवर्थी मे अटेन एंड डाई विद ग्रीविंग। अब वो कह रहा है अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन अगर मेरी किस्मत खराब हुई, अगर मैं आपकी पिक्चर नहीं चूज कर पाया सही कैस्केट में जो रखी है, लेकिन अगर नहीं चूज कर पाया तो मैं दुख से ही मर जाऊंगा। ठीक है, इफ आई लॉस
मैं दुख से ही मर जाऊंगा। फिर पोर्शिया कह रही है यू मस्ट टेक योर चांस एंड आइदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज एट ऑल और स्वेयर बिफोर यू चूज इफ यू चूज रॉन्ग नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड इन वे ऑफ मैरिज देयरफॉर बी एडवाइस। अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है कि अगर तुम मतलब कि पहले तो वो कह रही है कि तुम अपना लक ट्राई कर लो और अपने वही कह रही है फिर वो दोबारा कि अपने रो मत इतना अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके और फिर वो कह रही है कि अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी लेकिन अगर तुम कंपटीशन नहीं जीते तो तुम आगे भी किसी मतलब कि किसी भी लड़की से शादी के बारे में बात नहीं करोगे ना तुम उससे शादी करोगे ठीक है। फिर मुरो को कह रहा है नॉर विल नॉट कम ब्रिंग अपॉन मी माई चांस। अब वो कह रहा है कि ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करने का अगर मैं हार भी गया इट्स ओके लेकिन सिर्फ आपको चाहने के लिए मैं अपना ट्राई करना चाहता हूँ ठीक है। फिर पोर्शिया कह रही है फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल आफ्टर डिनर योर हैज़र्ड शैल बी मेड। वो कह रहा था कि चलो हम चलते हैं। अब पोर्शिया कह रही है दोबारा कि चलो पहले हम मंदिर चलते हैं फिर डिनर करेंगे फिर तुम्हारा कॉम्पिटिशन रखेंगे। फिर वो लोगों को कह रहा है गुड फॉर्चून देन टू मेक द ब्लेस्ड ऑन कर्स्ड बाय एमएम मेन। अब वो कह रहा है ठीक है सही है अब मेरा जो किस्मत है वो अच्छी हो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी किस्मत अच्छी होनी चाहिए और वो कह रहा है कि अब मैं अपना लक ट्राई करूंगा जैसे जैसे तुम कह रही हो कि आज टेम्पल के बाद और डिनर के बाद हम जाएंगे तो मैं अपना लक ट्राई करना चाहूंगा और दुनिया का अनलकी इंसान बन जाऊंगा अगर मैं हार गया। यहाँ पे वो एग्जिट हो जाते हैं एग्जिट तो यहाँ पे आपका एक्ट टू सीन वन कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्ट टू सीन टू कवर करूँगी ठीक है। आपको दोबारा पढ़ना चाहिए वैसे एक्ट टू क्योंकि जब आप अपना पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा ज़्यादा चीज़ समझ आएगी ठीक है। तो एक्ट टू हो चुका है एक्ट वन हो चुका है। एक्ट टू में 5 सीन्स है एक्ट वन में 3 सीन्स थे ठीक है। सो एक्ट टू सीन टू कवर करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।